तो ये वीडियो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उनके लिए जो कि ये बोट पे जिसने पहले काम किए थे, और उन उन लोगों के लिए जो बिगिनर्स हो और शोल्डरिंग का हाथ अभी भी अच्छा नहीं है। तो मैं गुजारिश करता हूँ भाई सबसे, आप क्या है कि एक सेकेंड बताता हूँ, आप क्या है कि अपना प्रैक्टिस पे थोड़ा सा ध्यान दिया करो, ठीक है? क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका शोल्डरिंग का हाथ या फिर एसएमडी का हाथ अच्छा होगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही है जो एक आपको एक मुकाम तक ले जा सकता है। क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई भी काम आपसे अच्छे से नहीं होगा, मतलब ढंग से नहीं होगा। तो देखो, ये एक बोर्ड है जो गीगाबाइट का, इसके ऊपर मैं वीडियो नहीं देता, पर इसलिए दे रहा हूँ जो बंदे ने पहले काम किया था उन तक अगर ये वीडियो पहुँच जाए तो ये गलती दोबारा नहीं करेगा। गीगाबाइट GA-H81MS2PH, देख सकते हो रिविजन इसका है 2.1। तो इस बोर्ड में प्रॉब्लम कुछ ऐसा था, ये आया था सोदपुर से। तो देखो अभी मैं दिखाता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या था। तो वीडियो दे रहा हूँ, 1 घंटा लगा मुझे ये जो छोटा सा एक प्रॉब्लम था ढूंढने में, करीब 1 घंटा लगा। मतलब मैंने 1 बजे बैठा इस बोट को लेके, 1 PM को बैठा अभी, सॉरी 1 AM को बैठा, अभी 2 AM हो गया, मतलब रात के 2 बज चुके, और 5 मिनट पहले इसमें मैंने सॉल्व किया। तो दोबारा मैं प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूँगा, क्योंकि जो कंपोनेंट मतलब शॉर्ट था वो अगर फिर से मैं प्रॉब्लम क्रिएट करूँगा तो वो ख़राब भी हो सकता है। तो देखो, ये मैंने CPU को हटा दिया बोर्ड से, ऐसे रख देता हूँ, और बोर्ड का जो कंडीशन था कैसा था वो मैं दिखाता हूँ। रीस्टार्ट प्रॉब्लम था बोर्ड में, और मैं डिटेल्स में बता रहा हूँ और सोल्यूशन भी बता के जा रहा हूँ, ध्यान से देखते जाओ। और जो पहले इस बोर्ड में काम किए थे अगर वो भी देखे वीडियो तो वो भी समझ जाएंगे क्योंकि गलती उसने कहाँ पर किया था। तो ये मैंने CPU हटा दिया और पावर दे दिया। अब देखो बोट को मैं टिगर दे रहा हूँ, दिख रहा है ना? हाँ, बोट को अभी मैं टिगर दे रहा हूँ, ये देखो बोर्ड चला FF कोड में, ऐसे फर्स्ट टाइम जब टिगर दे रहा हूँ। अब ये जो ऑफ हुआ है, अभी देखो ये जो ऑफ हुआ है, ऐसे ठीक ऐसा हो रहा था बोर्ड में। तो ये अभी थोड़ा जल्दी हो रहा है जो कि मैंने CPU हटा दिया। तो ये जो FF कोड और ये जो लाइट का मतलब गैप था, ये और भी 3 सेकंड ज़्यादा था, 3 से 5 सेकंड ज़्यादा था। तो ये जो गैप है, तो अभी देखो फिर से FF आया है, तो ये जो गैप है ऐसा कुछ हो रहा था, मतलब ये जो लास्ट वाला गैप आपने देखा, तो ये अभी जो गैप देख रहे हो ये तो CPU हटाने का सिंबल है, ऐसा हो रहा है, CPU नहीं है इसका इसलिए। और लास्ट टाइम में जो बड़ा वाला एक गैप देखा, ऐसी टाइप का कुछ हो रहा था बोर्ड में। तो मैंने इसके ऊपर, ऐसा अगर हुआ तो आपको बोर्ड में क्या क्या काम करना चाहिए, थोड़ा सा मतलब CPU डाला हुआ है बोर्ड में ऑलरेडी आपने डाला, और ये जो CPU अभी डाला हुआ था ये जेन्युइन CPU है, ये मेरा CPU है। तो CPU डालने के बाद भी अगर ऐसा प्रॉब्लम बोर्ड में आ रहा है तो आप क्या करोगे? तो मैंने क्या क्या अप्लाई किया मैं बताता हूँ। ऐसा स्टेप में पहले आपको देखना है कि वोल्टेज कहाँ कहाँ बन रहा है, मतलब कोर VDDs का जनरेट हो रहा है कि नहीं। तो इस बोर्ड में भी सारा वोल्टेज जनरेट हो रहा था, फिर भी ऐसा हो रहा था। तो ऐसा होने के वजह से मैंने क्या किया, अभी मैं इसे खोलता हूँ और ये जो मैं डिटेल्स में समझा देता हूँ, शॉर्ट वीडियो होगा छोटा सा, और CPU को लगा देता हूँ क्योंकि अगर थोड़ा सा भी एक लग गया तो पिन खराब हो सकता है सॉकेट का। तो अभी मैंने ये CPU डाल दिया। तो देखो, ये जब बोर्ड पहले आया था, ये जो आयो था इसका, ये आयो के टोटल साइट पे जो मतलब पेस्ट से भरा हुआ था। अभी मैंने इसे क्लीन किया, मैंने फर्स्ट टाइम ही क्लीन किया जब आया था, उसके बाद से ये प्रॉब्लम, मतलब बोर्ड में क्लीन करने से पहले ऐसा प्रॉब्लम था, क्लीन करने के बाद मैंने इसको हीटअप किया थोड़ा सा SMD से, उसके बाद क्लीन किया। और यहाँ पर जो था ये हार्डवेयर का शॉप का जो रोजन है वो था, कोई मतलब पेस्ट मतलब फ्लाक्स फ्लूक्स कोई कुछ भी नहीं था, वो रोजन था, अच्छे से यहाँ पर हिट किया था। पर इस बोर्ड में पहले क्या प्रॉब्लम था मुझे पता नहीं, जो गया था जिस इंजीनियर के पास, तो प्रॉब्लम क्या था मुझे पता नहीं। तो मैंने ये क्लीन करने के बाद इसे सफाई किया, अभी देखो ये क्लीन है,
फिर भी वो सेम प्रॉब्लम है, सीपीयू मैंने अच्छा डाला उसके बाद भी। तो मैंने सिंपली एक बार जो है इसका बायोस को रीप्रोग्राम किया, तो प्रॉब्लम जो है हमारा सॉल्व आउट नहीं हुआ। तो 1 घंटा मेरा इस बोर्ड में क्यों वेस्ट हुआ, तो बाद में मैंने सारा वोल्टेज इधर उधर देखा, कुछ भी मुझे मिसिंग नहीं लग रहा है, पर इसका जो पावर गुड्स है वो बार बार ऑन होके बोर्ड ऑफ हो रहा है, ऑन होके बोर्ड ऑफ हो रहा है। तो मेरा दिमाग में ये आया, ये चीज़ आया कि इसका कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ कंपोनेंट शॉर्ट है, जिसके वजह से ये बोर्ड तो टिगर ले रहा है पर लेके ही छोड़ रहा है शॉर्ट के वजह से। तो सारा जगह पे ढूंढा बोर्ड का इधर उधर, कहीं पर भी कुछ मुझे नहीं मिल रहा था। तब जाके मैंने थोड़ा सा मुझे शक हुआ कि भाई ये जो आयो में इतना पेस्ट डाला हुआ था, और उस बंदे ने जो काम किया था ये पहले शोल्डरिंग किया था, उसके बाद यहाँ पर रोजोन डाल के, जो मतलब हार्डवेयर के शॉप में मिलता है, वो डाल के हीट दिया। तो मैंने जब इसे माइक्रोस्कोप पे लिया तो सारा पिंस जो है यहाँ पर मुझे सही लगा, पर यहाँ पर एक पिन जो है ये बीच में एकदम सेंटर पे एक पिन था जो उन्होंने शोल्डरिंग किया था। तो अभी अगर वो कभी भी वीडियो देखे तो मैं उनको बोलना चाहूँगा, तो आपने जब काम किया था किस प्रॉब्लम के साथ आपके पास आया था मुझे पता नहीं, तो यहाँ पर जो एक आयो का 2 पिन था वो कनेक्टेड था, ठीक है। तो वो कौन सा पिन है अभी मैंने डेटा शीट निकाल के देखा नहीं, तो जब मुझे वहाँ पर देखा कि 2 पिन्स एक के साथ एक जुड़ा है शोल्डर से, तो मैंने तुरंत शोल्डरिंग आयरन से उसे क्लीन किया। क्लीन करने के बाद फिर से एक बार ड्राई हीट दिया और बोर्ड को जो ये मेरा जो सीपीयू है वो लगा के चलाया, तो बोर्ड रेडी हो गया। तो ये केस मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ तो है नहीं इंटरेस्टिंग चीज़, फिर भी मैं शेयर कर रहा हूँ। आप जब भी कभी आयो को मतलब रिशोल्ड कर रहे हो, आपको लगे कि आयो में रस्ट है या फिर आयो से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है बोर्ड में, मतलब आयो से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, आयो रिलेटेड प्रॉब्लम क्या होता है ये जो मेरे वीडियो फॉलो करते हैं उनको पता है। तो अगर आपको लगे कि आयो से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, तो अगर आप आयो शोल्डरिंग आयरन से अगर आयो को रिशोल्ड कर रहे हो, तो मैं सजेस्ट करूँगा आपके पास अगर मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं है तो आप ऐसी टाइप के ग्लास ले सकते हो, ग्लास सॉरी। तो ये 150 में मिलता है, ऑनलाइन पे भी मिल जाएगा, तो ये एक रखा करो, क्योंकि ये जो हमारा जो खुले आँख में हम ये देख नहीं सकते, पिंस अगर एक के साथ एक जुड़ जाता है तो हमें समझ में नहीं आता है, और माइक्रोस्कोप सबके पास नहीं होता है, क्योंकि माइक्रोस्कोप नहीं चाहिए इसके लिए, माइक्रोस्कोप कभी भी नहीं चाहिए। ये जो है ये 150-200 रुपया वाला जो मैग्नीफाइंग ग्लास, ये एक रखा करो, क्योंकि आप जब काम कर करके क्लीन कर रहे हो, पर एक से एक पिन एक से जुड़ा होता है, पर आपको कभी कभार होता है कि पता नहीं होता है, और उनके वजह से आपका बोर्ड रेडी भी नहीं होता है, और आप खमाखा 1-2 घंटा टाइम वेस्ट करने के बाद क्या करते हो, बोर्ड को रिटर्न कर देते हो। तो अभी मैंने ये जो आयो था, ये आयो को 2 पिन जुड़ा हुआ था, उसको बस डिस्कनेक्ट किया एक पिन से, एक पिन को मतलब शोल्डर को डिस्कनेक्ट किया शोल्डरिंग आयरन से। उसके बाद मैंने एक बार सिंपली चला के देखा, तो हमारा जो बोर्ड है उस बोर्ड में कोड आने लगा है और डिस्प्ले प्रॉपरली आउट होने लगा है। तो अभी एक बार चला के दिखाते हैं, शॉर्ट वीडियो है इसलिए बस एक छोटा सा एडवाइस दे रहा हूँ सबके लिए। तो अभी देखो ये बोर्ड, सॉरी एक फैन लगाता हूँ पहले, तो अभी देखो ये बोर्ड एक ही बार में टिगर लेगा और चलेगा, बिंदास चलेगा। तो ये प्रॉब्लम जो था छोटा सा, ये देखो टिगर लिया, अब देखो कोड चेंज हुआ, बीप करेगा देखो। ये देखो मतलब इसका डिस्प्ले आ चुका है, अभी बीजीए पे देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं यूएसबी पे एक बार दिखा देता हूँ कि इसका डिस्प्ले आ चुका है। तो ये देखो यूएसबी मैंने डाला और ये है यूएसबी, इसका डिस्प्ले इसका आ चुका है, मैंने मॉनिटर पे भी देख लिया, डिस्प्ले इसका आ चुका है, बोर्ड में और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो जब पहली बार किसी के पास गया था, मे बी बायोस का फॉल्ट भी हो सकता था, मैंने अभी जो इसमें जेन्युइन बायोस डाला, पर प्रॉब्लम जो था हमारा सेम ही हो रहा था, बार बार ये स्टार्ट हो रहा था ऐसा कुछ। तो ये जो पिंस था ये शॉर्ट था, और इसके वजह से क्या है, ये जो आयो है ये हीट नहीं हो रहा था। अगर हीट होता तो नॉर्मली आपको पता चल जाता कि भाई हाँ, हाथ दे के देखा यहाँ पर शॉर्ट करके, एसएमपीएस को बाईफोर्स ऑन करके हाथ उंगली टच करके देखा, हाँ हीट हो रहा है इससे प्रॉब्लम है, पर मैंने वो भी देखा शॉर्ट करके, पर आयो जो है हीट नहीं हो रहा था। तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि भाई आयो से प्रॉब्लम हो सकता है, एक पिन एक के साथ जुड़ने के वजह से ऐसा बोर्ड में हो सकता है।
तो ये छोटा सा एक केस स्टडी था जो मैंने शेयर किया। अगर कभी भी आपको काम आए तो कमेंट कर देना मुझे। एक बाकी तो इस वीडियो में और कुछ नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा मतलब मुझे लगा कि शेयर करूं तो मैं कर दिया। तो देखो, वीडियो अगर अच्छा लगे और छोटा सा भी नॉलेज आपको सीखने को मिला है तो एक लाइक करके जाओ, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए लव यू ऑल, जय हिंद।